हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर छवि गर्ग। वेलकम टू माय चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज बीएड का एक सब्जेक्ट है नॉलेज लैंग्वेज एंड कारिकुलम। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जनरली पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिथ एंड लॉजिकल बेस्ड नॉलेज। तो मिथक और तार्किक आधार पे जो हमें ज्ञान मिलता है उन दोनों में क्या अंतर है। देखिए, इनके ज्ञान में अंतर को समझने से पहले हमें दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए कि मिथक ज्ञान किसे कहते हैं और तार्किक ज्ञान किसे कहते हैं। देखिए, तार्किक जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि जब हम किसी चीज़ को अच्छी तरीके से उसको समझते बूझते हैं, उसके सत्य होने की खोज करते हैं और जब हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ बिल्कुल सत्य है, इसके होने का कारण ये है और इसका इफेक्ट ये है, तो जो ज्ञान हम तर्क के आधार पर प्राप्त करते हैं वो कहलाता है आपका तार्किक ज्ञान। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने देखा कि जब भी बारिश ज़्यादा होती है तो आपका जो चावल है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे हमें पता चलता है कि चावल के प्रोडक्शन के लिए अच्छी बारिश का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने अपने तर्क से देखा कि जब जब बारिश अच्छी हुई है तब तक राइस का प्रोडक्शन अच्छा हुआ है। तो उसको हमें एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता चल जाती है कि अच्छी बारिश से ही जो है अच्छे राइस होते हैं। ये हमारे तर्क पर आधारित है। उसी तरह से अगर हम पढ़ेंगे तभी हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि फिर एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम उनका अच्छे से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमने सब पहले से ही पढ़ लिया है। तो ये है तर्क के आधार पर। मिथक क्या कह रहता है? जो किसी तर्क पे नहीं करता निर्भर, जो उसके सत्य और असत्य के बीच में कोई भेद नहीं करता, बस वो हमारे दिमाग के विश्वास पर आधारित होता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग जो हैं साधु संन्यासियों के उसमें पढ़े होते हैं, वो कहते हैं आज हमने ये अंगूठी पहन ली तो हमारे एग्जाम बहुत अच्छे होंगे भले ही हम पढ़ें या नहीं पढ़ें। तो ये कोई लॉजिक पे तो बेस है नहीं, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जो चीज़ आपने पढ़ी नहीं तो आप उसे कैसे लिख सकते हो। तो आपने कोई ताबीज़ पहना है या कोई अंगूठी पहनी है तो उसी से आप पास नहीं हो सकते। तो ये कहलाता है आपका मिथक ज्ञान। तो डिफरेंस क्लियर हो गया? जिस ज्ञान में आपका लॉजिक होता है, आपके दिमाग का प्रयोग होता है, जिसे आप बता सकते हो कि सत्य है असत्य है, तो वो तो होता है आपका तार्किक ज्ञान। और जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होता, सिर्फ आप कही हुई बातों को मान लेते हो, सुनी सुनाई बातों को मान लेते हो, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, वो कहलाता है आपका मिथक ज्ञान। अब हम इनके डिफरेंस के वो देखेंगे कौन कौन से बेसिस पे। देखिए, जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया, तार्किक जो होता है ज्ञान वो तर्क पर आधारित होता है और मिथक बेस सिर्फ विश्वास पर आधारित होता है। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, बस वो किसी चीज को विश्वास करता है तो उसे विश्वास ही करता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारे समाज में कि बिल्ली रास्ता काट गई तो जो है बड़ा ही अनर्थ होने वाला है, तो ये क्या है? विश्वास पर ही तो आधारित है, लेकिन तर्क पे तो आधारित नहीं है। अब कोई बदला इसे नहीं माने, बिल्ली रास्ता काट गई फिर भी वो चला गया और उसकी नौकरी भी लग गई, तो इसका मतलब ये क्या होता? मिथक ज्ञान था, क्योंकि हम सोच रहे थे कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो हमारा कोई भी काम नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या था? मिथ बेस्ड ज्ञान था, तार्किक आधार इसका कोई नहीं था। सेम वे हम कह देते हैं कि कोई काम करने जा रहा है, अगर आपने छींक दिया तो आपका काम नहीं होगा। भाई, इससे क्या मतलब है? ये तो मिथ बेस्ड ज्ञान हुआ, क्योंकि छींक तो एक आपकी फिजिकल प्रोसेस है कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी उसमें चला जाता है नाक में, तो वो फॉरेन पार्टिकल छींक के सारे बाहर निकलता है। तो साइंटिफिक लॉजिक इसका ये है, तो ये कहलाएगा आपका लॉजिकल बेस्ड। अगर आप छींक किसी को आ जाती है उसके बेसिस पे आप कोई नया काम नहीं करने के लिए जाते हो, तो ये कहलाएगा आपका मिथ बेस्ड नॉलेज। नेक्स्ट है, जो शिक्षा विदों के कथन होते हैं वो ही ज्ञान का स्रोत होते हैं। देखिए, जो लॉजिकल ज्ञान में विश्वास करते हैं वो किसको मानते हैं? ज्यूरिस्ट को, आपके जो वैज्ञानिक हैं या जो जो है लॉजिकल से बात करते हैं उन्हीं के कथन को आप ज्ञान का स्रोत मानते हो, कि जो साइंटिस्ट कहेंगे वही माना जाएगा। लेकिन जो मिथ बेस्ड होते हैं वो ज्ञान आपके मन का डर होता है, क्योंकि आपको लोग डरा देते हैं भाई ऐसा नहीं करने से ऐसा हो जाएगा, तो वो जो आपके दिमाग का डर होता है तो वो आपको जो है वो करता है।
अब आप देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि थर्सडे को वो जो है कपड़े नहीं धोते, क्योंकि आपके मन में डर बैठ जाता है कि भाई थर्सडे को कपड़े धोने से जो है कुछ गलत हो जाएगा। तो इसका कोई लॉजिक तो है ही नहीं। आजकल तो शहरों में तो देखिए, आपकी मेड आती है तो वो तो डेली आती है और थर्सडे को भी खूब कपड़े धुलते हैं। तो इससे क्या है, ये आपके सिर्फ फियर ऑफ माइंड होता है। तो आपके दिमाग में जो डर बैठ जाता है, जो आपके बड़े लोगों ने, आपके एंसेस्टर्स ने डर बिठा दिया, सिर्फ आप उसी को मान के चलते हो। नेक्स्ट है मिथक बेस्ड जो है इनविजिबल पावर, जो चीजें नहीं दिखती हैं उन पे विश्वास करता है, और तार्किक आधार इन इनविजिबल पावर पे विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए आप देखोगे आज भी गांव में बहुत से भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, जबकि लॉजिक बेस्ड इन पे विश्वास नहीं करता है। जो मिथ बेस्ड होता है वो अंधविश्वास को जन्म देता है, और लॉजिकल बेस्ड नॉलेज कभी अंधविश्वास को जन्म नहीं देती। मिथ बेस्ड अंधविश्वास को इसलिए जन्म देता है क्योंकि वो हमारे दिमाग के डर से पैदा हुआ है। हम जो है हर चीज को जो है बस जो हमारे पुराने टाइम से चली आ रही है उन्हीं को जो है हम आगे भी बढ़ाते रहते हैं, जो हमारे अंधविश्वास को जन्म देता रहता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं सुबह सुबह कौवा आके अगर आपकी छत पे बोलता है तो आज आपके घर में जो है गेस्ट आएंगे, या आप कोई अच्छा काम करने जा रहा है तो आप उसे दही चीनी खिलाएंगे तो वो काम अच्छा होगा। ये सब जो है अंधविश्वास है, जबकि लॉजिकल बेस में इन अंधविश्वास की कोई भी जगह नहीं है। अब मिथ बेस जो है वो जो है किसी भी चीज को सत्य के साक्ष्य पर नहीं तोलता है, जबकि लॉजिकल बेस जो है सत्य के साक्ष्य पे तोलता है। जैसे मैंने आपको कहा मिथ बेस तो समझेगा कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अब हमें उस रास्ते से जाना ही नहीं है, तो उसने उसके सत्य की तो कोई परीक्षा नहीं की। जबकि कोई लॉजिकल बेस्ड होगा तो वो जाके देखेगा, वो देखेगा अरे बिल्ली रास्ता काट गई चले जाओ तब भी कुछ नहीं होता, तो उसने उसके सत्य की जांच की कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसीलिए लॉजिक बेस्ड में सत्य पे चीजों को तोला जाता है और मिथ बेस में सत्य पे नहीं तोला जाता। तो ये थे आपके डिफरेंस बिटवीन मिथ बेस्ड एंड लॉजिकल बेस्ड। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। दैट्स ऑल फॉर माई लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।